नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ग्रिप में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक अनबॉक्सिंग लेके, जो कि एक हीट सीलिंग मशीन की अनबॉक्सिंग। इसे मैंने अमेज़ोन से लगभग 1500 रुपये में मंगवाया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और इसका रिव्यू दे लेंगे कि कैसी है ये मशीन। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग हर बार की तरह अमेज़ोन की बहुत अच्छी। ये मैंने 12 इंच वाला हीटिंग सीलिंग मशीन मंगाया है। ये करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका हीट सेविंग मशीन। ये आप भी देख सकते हैं, आप इसकी ब्रांडिंग दी गई है JD नान की तरफ से, और यहाँ पर लिखा गया प्लास्टिक पैक सीलिंग मशीन फॉर क्वालिटी सीलिंग। और यहाँ पे कुछ फ्री दिया गया है, 2 हीटर्स प्लस 1 टेफ्लॉन क्लॉथ। यहाँ पे लिखा गया है हैवी ड्यूटी सीलिंग मशीन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000 रुपये में इसका MRP लिखा गया है, लेकिन इसको मैंने अमेज़ोन से 1500 रुपये में मंगवाया है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज है 12 इंच का हीट सीलिंग मशीन लेने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाकी इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और जानते हैं इसका रिव्यू कैसा रहने वाला है ये। ये रहा इसका इनवॉइस, ये आप देख सकते हैं 1500 रुपये में मैंने इसको मंगवाया है। इसको कर देते हैं साइड पे। जी हाँ दोस्तों, ये रहा मशीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोबारा एक बार दिखाता हूँ आपको, 12 इंच का ये हीट सीलिंग मशीन है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्री दिया गया है 1 टेफ्लॉन क्लॉथ, और ये 2 हीटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसको कर देते हैं साइड पे, इसको भी कर देते हैं साइड पे। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका हीट सीलिंग मशीन। यहाँ पर भी ये ब्रांडिंग दी गई है JD नान की तरफ से, और यहाँ पे ये कुछ वोल्ट दिया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ पे, ये आप रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाइम सेटिंग का स्विच दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर दिया गया है
आप देख सकते हैं। इसका जो इम्पल्स पावर आने वाला है वो है 300 वाट्स का, और ये मशीन लगभग 1.5 किलो वजन में है। तो 12 इंच के हिसाब से इसका वजन बहुत कम है, लाइट वेट है, और ये प्योर मेटल में है, ये आप देख सकते हैं, प्योर मेटल में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेफलन क्लॉथ है ये यहाँ पे है, और इसके नीचे जो आपको एक हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। आपको जो स्विच मिलने वाला है एक नॉर्मल स्विच होगा, पावर स्विच, सिंपली आप इसको सिंपली इसको पावर सॉकेट में लगाएं, और ये ऑन हो जाएगा। अभी ऑन हो चुका है, और यहाँ पे ये टेम्परेचर सेट करने के लिए टेम्परेचर आप अपने जो आपने सीलिंग करना है बैग, प्लास्टिक का बैग जो सीलिंग करेंगे उसकी थिकनेस के हिसाब से होगा। तो चलिए अब इसको हम यूज करके देखेंगे। अभी ये टाइम लेगा थोड़ा गर्म होने में, 1 मिनट आप इसको लगा रहने दीजिए। ये देख सकते हैं आप, हम इसको सील करके देखेंगे। अभी ये फुली ओपन है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ इसमें जा रहे हैं, इसको सील करके देखेंगे। ये आप बीप की साउंड सुन रहे हैं यहाँ पे, जब ये हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बीप की साउंड देगा और आपका बैग सील हो जाएगा। अभी हम इसको सील करके देखेंगे कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं ये यहाँ से सील हो चुका है। यहाँ से पूरी तरह से सील हो चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा हैवी पॉली बैग, इसको भी हम डबल कर लेते हैं और आपको सील करके बताता हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह सील हो चुका है यहाँ से। काफ़ी टाइट सीलिंग हुई है यहाँ पे। आप टेम्परेचर को सेट करके थिकनेस के हिसाब से पॉली बैग को सील कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।